हेलो गाइस। अच्छा, आज का जो क्वेश्चन है वो है ए क्यूब प्लस ए स्क्वायर इक्वल्स टू 810, और हमें जो है ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं स्टार्ट करती हूँ, एज इट इज़ लिख लेते हैं। ए क्यूब प्लस ए स्क्वायर इक्वल्स टू 810 है, उसे ना मुझे इस तरह मैनिपुलेट करना है कि वो क्यूब और स्क्वायर के फॉर्म में उसकी कुछ वैल्यू आ जाए। तो मैं काम करती हूँ, 810 जो है वो हम लिख लेते हैं 81 इंटू 10 810 हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद ए क्यूब प्लस ए स्क्वायर इक्वल्स टू 81 जो है 9 का स्क्वायर है इंटू 10। ठीक है, अब ए क्यूब प्लस ए स्क्वायर इक्वल्स टू 9 स्क्वायर इंटू, हम जो ये 10 है उससे मैं 9+1 भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं क्या करूँगी कि इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे और इससे कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा आ गया ए क्यूब प्लस ए स्क्वायर इक्वल्स टू 9 स्क्वायर इंटू 9^1। तो ये हमारा हो जाएगा एन क्यूब प्लस 9^1 = 9^2। ठीक है, अब ए क्यूब, इसके आगे कुछ नहीं मतलब प्लस है, तो इसे मैं यहाँ ले आऊँगी, तो ये हो जाएगा -9³ प्लस ए स्क्वायर, यहाँ पर ये प्लस है, इस साइड आ जाएगा तो आ जाएगा -9² = 0। ठीक है, अब ये ऑलमोस्ट हमारा आ गया है ए क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल्स टू ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ये और एक दूसरा फार्मूला जो हम यूज़ करेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए माइनस बी ए प्लस बी। ठीक है, हम इन दोनों फार्मूलेज का यूज़ करने वाले हैं। तो यहाँ पर ये हो गया मेरा ए क्यूब माइनस बी क्यूब, तो इसका आ जाएगा ए माइनस बी मतलब ए माइनस 9। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस 9A। ठीक है, प्लस बी स्क्वायर मतलब 9 का स्क्वायर। ओके, ये प्लस की साइन, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में, तो ये हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे, ए माइनस बी मतलब ए माइनस 9 ए प्लस 9 इक्वल्स टू 0। ठीक है, यहाँ पर a माइनस नाइन जो है वो कॉमन है, तो मैं एक बार लिख लूँगी a-9, यहाँ पर ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस 9A प्लस 9² ये वाला प्लस a प्लस 9 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब a-9 ए स्क्वायर, ये 9A, a वेरिएबल, तो 9 और 1 = 10 ए प्लस ये 9² मतलब 81 प्लस ये वाला 9 इक्वल्स टू 0। तो हमारा जो है यहाँ पर आ गया ए माइनस 9 ए स्क्वायर प्लस 10A 81 और 9 जो है 90 हो जाएगा इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो यहाँ पर ऑलमोस्ट हमें ए की वैल्यू जो है मिल चुकी है, ए माइनस 9 इक्वल्स टू 0 और ए स्क्वायर प्लस 10A प्लस 90 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब a इक्वल्स टू ये माइनस 9 इस साइड जाएगा तो प्लस 9, हमें ऑलमोस्ट ये रियल नंबर मिल गया, मतलब a की वैल्यू मिल गई। फिर भी मैं इसे सॉल्व कर रही हूँ, तो यहाँ पर मैं ले लेती हूँ a इक्वल्स टू 1, b इक्वल्स टू 10 एंड c इक्वल्स टू 90। हम डेल्टा की वैल्यू जो है फाइंड आउट कर लेंगे, बी स्क्वायर माइनस 4AC। ठीक है, b हमारा हो जाएगा 10 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए है हमारा 1, c हो गया 90, 10 का स्क्वायर 100 माइनस 4 × 1 = 4, 9 × 4 = 36 और ये वाला 0। ठीक है, प्लस 100 माइनस 360 आ गया माइनस 260 जो लेस देन है 0 से। ठीक है, तो यहाँ पर हमें रियल नंबर तो मिलेगा नहीं, कॉम्प्लेक्स रूट मिल जाएगा, तो हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर मैं लिख लेती हूँ
हमारा वेरिएबल है ए, तो ए इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन टू ए, ठीक है। अब माइनस बी जो है, माइनस बी है 10 प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी मुझे मिला था माइनस 260 अपॉन 2 इंटू 1, ओके। अब माइनस 10 प्लस माइनस 260 को मैं लिख सकती हूँ 65 इंटू 4, ठीक है। माइनस लगा दिया, 260 को हम लोग फैक्टराइज करेंगे तो 65 इंटू 4 आ जाएगा, 2 वन ज़ा 2, ठीक है। यहाँ पर मैं ले लेती हूँ माइनस 10 प्लस माइनस 4 बाहर आ जाएगा तो ये हो जाएगा 2 स्क्वायर रूट ऑफ माइनस 65 अपॉन 2, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने ले लिया 2 कॉमन, माइनस 5 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ ये 65 ले लेती हूँ, माइनस 1 है तो ये मेरा हो जाएगा आई, ठीक है, अपॉन 2, 2 2 मेरा कट गया तो यहाँ पर जो है मुझे ए की वैल्यू मिल जाती है माइनस 5 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 65 आई, तो मुझे यहाँ पर जो है रियल रूट जो है मिल जाता है 9 और कॉम्प्लेक्स रूट जो मिलता है माइनस 5 प्लस और माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 65 आई। आई होप कि आप लोगों ने इस वीडियो को एंजॉय किया होगा। इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच, बाय बाय।